गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ अक्षय गुप्ता फ्रॉम बीफॉर्म फर्स्ट ईयर। टुडे आई विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है हम खाने को खाते हैं और खाना हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यूज होता है। न्यूट्रिशन हमारे फ्यूल की तरह, जैसे गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चलती, हमारा शरीर भी फ्यूल के बिना न्यूट्रिशन के नहीं चलता है। न्यूट्रिशन हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे दो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन हमारे 20% बॉडी वेट के होती है और प्रोटीन्स 24 अमीनो एसिड से बनी होती है और 9 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और 15 अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। फैट्स की बात करें, फैट्स हमें एनर्जी देता है, फैट्स हमारे लिए विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट 15% बॉडी वेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट मोर एनर्जी देन फैट, और कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वाटर की बात करें, वाटर हमारे लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए यूज होता है। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जीतेश गौर एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट प्यूवर प्रोसेस। सो जैसा कि हम जानते हैं, प्यूवर प्रोसेस एक सांस के रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बीमारी है जिसकी शुरुआत हमारे गले से होना स्टार्ट होती है। मेनली ये करती क्या है, पहले इसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इफेक्ट इसका है, हमारे लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। लंग्स के ब्लॉक होने से जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई इनसफिशियंट हो जाती है, जिसके थ्रू हमारी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल होकर डेथ तक पहुंच जाती है। बात करेंगे इसके, जो टीबी भी है वो दो टाइप से करवाई जाती है जनरली, एक लेटेंट टीबी एंड एक ट्यूबरक्लोसिस डिसीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेंट टीबी की। तो लेटेंट टीबी क्या होता है, इसके एक इसका और फैक्टर होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके थ्रू जो है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है, इसके थ्रू ये डिसीज फैलती है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे गले में आके सबसे पहले अटैक करता है। तो कुछ कंडीशंस में ऐसा भी पाया गया है कि जहां पे जो ये बैक्टीरिया है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा वहीं पे रोक दिया जाता है। एंड कुछ रेयरली कंडीशंस ऐसे भी हो जाती है जिसमें लाइफ लॉन्ग ये बीमारी हमारे गले में लेटेंट टीबी के रूप में बढ़ के रहती है और इसका हमको पता भी नहीं चलता है। बट जब हमारा इम्यून सिस्टम इस चीज को रोकने में डिसेबल हो जाता है, तो ये हमारे ये डिसीज जो है वो टीबी डिसीज के रूप में उभर के आती है, जो कि हमारे लंग्स पे जाके अटैक करती है। अच्छा, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, तो लेटेंट जो टीबी थी उसमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, बस हल्की बहुत जो है टीबी सॉरी जो हल्की बहुत खांसी वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। इसको करने के लिए ब्लड टेस्ट, स्किन टेस्ट होते हैं, इसको अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इनिशियल स्टेज की हमें टीबी हुआ है नहीं हुआ है। बट जब ये टीबी डिसीज के रूप ले लेती, तो उसमें सिम्टम्स फिर आना, हमारे साइन सिम्टम्स जो है इसके वो फिर शो होना स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कुछ सिम्टम्स जो जनरली हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं वो ये है कि सबसे पहले खांसी आना हो जाता है, गला ब्लॉकेज टाइप से हो जाती है, ये कुछ और फीवर है, चेस्ट में पेन है, बलगम वाली खांसी आना, ये कुछ ऐसे मेजर सिम्टम्स हैं जो हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कंडीशन ये आती है कि इसके बाद हम करते क्या हैं, तो फिर हम जब ये चीजें आइडेंटिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद हम जाते हैं हॉस्पिटल। वहां पे दो टेस्ट होते हैं, एक तो स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड कुछ कंडीशन एक्सरे टेस्ट भी होता है, जिसकी क्या होता है, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे बॉडी है वो उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है या नहीं हो रखा है। इफ अगर हम लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उस चीज के लिए, तो फिर कुछ प्रिकॉशंस वगैरह जो है फार्मासिस्ट के द्वारा हमें बताए जाते हैं कि हमको दूसरों से दूर रहना है, जितना हो सके उतना दूर ही रहना है, क्योंकि ये जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज है, एक दूसरे के थ्रू फैलती है। अगर मैं खड़ा हूँ और मैंने सीज या फिर कफिंग कुछ भी कर दिया है, तो मेरे थ्रू जो बैक्टीरिया है वो इस एयर में सर्कुलेट हो गई, और इस कंडीशन में अगर कोई मेरे सामने खड़ा है तो वो जो है वो बैक्टीरिया उसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएंगे एंड वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अब फार्मासिस्ट क्या है, इसके अंदर ये चीजें पता चल जाती है, तो उसके बाद कुछ जो मेडिसिन वगैरह जो है जो रेड चल रही है इस टाइम पे वो दी जाती है। एक इसके लिए एक्ट, आपको जहां तक जानकारी होगी है कि गवर्नमेंट के थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि क्या होता है, स्टार्टिंग एट इनिशियल लेवल पे ही आपको बीसीजी की जो वैक्सीन है वो दी जाती है। उस बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म जो है बैसिली कैलिटी एंक्वायरिंग है, जो कि इस ट्यूबर क्लोसिस को डिफेंड करने का काम करती है। ये ऐसी इम्यून सिस्टम को आपको बना देती है कि जिसके थ्रू जो आपको लाइफ लॉन्ग टीबी की दिक्कत ना हो।
एंड इसके प्रिकॉशन वगैरह की मैं बात करूँ कि कैसे इस चीज को रोका जा सकता है, तो अगर आप ये पता चल जाए कि हाँ आप इससे इन्फेक्टेड हैं, तो आप दूसरों से जहाँ तक रहें जहाँ तक हो सके आप दूर रहें, कम कॉन्टेक्ट रहें किसी दूसरे के, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट चलाएं। अच्छा, इसमें कुछ मेजर कंडीशन इस चीज की भी आती है कि जब लोगों को लेट एंड ट्रीट के बारे में पता चल जाता है तो हम लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट उस मेडिसिन मेडिसिन को प्रॉपरली जब नहीं यूज करते हैं तो उस कंडीशन में ये बन जाता है कि ये जो बीमारी है वो और क्रिटिकल रूप में ओवर की आती है, जिसको कभी कभी इनक्यूरेबल भी हो जाती है, बल्कि इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं कभी। तो इसको रोकने का सिंपल है कि दूसरों के कॉन्टेक्ट में कम से कम आए और प्रॉपर तरह से इसका ट्रीटमेंट। आज हमारा भाई बाय है, तो सर ने हम सभी को एक एक क्वेश्चन दिए हैं, तो मेरा आज का क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग एक इन्फेक्शन डिसऑर्डर डिसीज है, यह खराब खाना खाने से और रखा हुआ खाना खाने से होती है। यह बीमारी मतलब गर्मियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह 12 घंटे से 72 घंटे में देखने को मिल सकते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वह बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से होने का मतलब इसका यूज होता है, हो सकता है। इसके जो साइन एंड सिस्टम्स हैं वो जैसे हमारे पेट में दर्द होने लगता है, पेट में ऐगन होने लगती है, हमें बुखार आने लगता है और हमें बार बार उल्टी आती है, जी मचलाता है और हमारे सिर में दर्द होने लगता है। इस बीमारी से हमारे जो बॉडी का वेट होता है वो लूज होने लगता है। इसके जो प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, वह हमें साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें साफ पानी पीना चाहिए, हमें जो मेडिसिन आती हैं वो लेनी चाहिए और मतलब जो हम लोग बाजार से सब्जियां या फल लेके आते हैं उसे मतलब साफ करके मतलब खानी चाहिए और अच्छे से उन्हें धो लेना चाहिए। जो हमारे घर में जो खाना बनाया जाता है वो उसमें हमें ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी खाना खाने से बहुत होती है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वह कॉन्टेमिनेटेड फूड लेने से होता है, मतलब कि खराब खाना लेने से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। इसमें जो फार्मासिस्ट का रोल होता है वह हमें मतलब मेडिसिन में हेल्प कर सकता है फार्मासिस्ट, और जो हमारा जो अवेयरनेस कर सकता है और हमें एडवाइस कर सकता है कि हमें साफ सफाई पर कैसे ध्यान देना चाहिए, हमें जो खाना है वो मतलब हाथ धोकर खाना चाहिए और हमें सेफ्टी प्रोफाइल का यूज करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको मतलब फूड पॉइजनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम विशाल, ठीक है। आई टॉक टू अबाउट टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड एक बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह संक्रमित व्यक्तियों के मल मूत्र, ठीक है, एंड दूसरे भोजन या पानी के सेवन से होता है, ठीक। और यह जीवाणु व्यक्ति के 37 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसका पॉजिटिव आया है सैल्मोनेला ट्राइफी म्यूरियम एंड टाइफाइड सैल्मोनेला है, ठीक है। इन्फेक्टेड मटेरियल की बात करते हैं इसकी, तो यह मलमूत्र का इसका संक्रामक पदार्थ है, ठीक। और वो इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात करते हैं तो ये चेस्ट पेन, हेड एचेस्ट, ठीक है, और दस्त वगैरह
और इसका 104 डिग्री फॉरेनहाइट बुखार होता है। कहते हैं इसकी सेक्स की तो यह महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुष में ज्यादा होता है। और एज में बात करते हैं तो ये एज ये सभी ग्रुप के एज के व्यक्तियों को होता है, ये सामान्यतः 5 से 19 वर्ष के व्यक्तियों में ज्यादा होता है। एंड थैंक यू।